शहजादी डायना के बचपन का एक स्वेटर इंतहाई महंगे दामों नीलाम हुआ है। स्वेटर पर सफेद भेड़ों की कतार को देखा जा सकता है, जिनके दरमियान एक काली भेड़ भी मौजूद है। इस स्वेटर को 1.14 मिलियन डॉलर में फरोख किया गया है। बोली 31 अगस्त को लगी और नीलामी के आखिरी मिनट तक सबसे ऊपर की बोली $2,00,000 से कम रही। सोथबीज ने इस स्वेटर की कीमत का तखमीना 50,000 से 80,000 डॉलर लगाया था। ये स्वेटर मार्च में एक इमारत के कमरे में दरियाफ्त हुआ था। इसकी कीमत शहजादी डायना से मुंसलिक बहुत सी दूसरी चीजों से ज्यादा थी जो हालिया बरसों में नीलामी में फरोख्त हुई। इससे पहले शहजादी डायना की चीज जो सबसे महंगी बिकी वो 2022 में फरोख्त होने वाली उनकी फोर्ड एस्कॉर्ट थी, जिसकी $806,000 की बोली लगी थी। जनवरी में शहजादी डायना के नीलम से सजे सिलेबी लॉकेट को मशहूर रियलिटी स्टार कम कार्डेशियन ने $203,000 देकर एक ऑक्शन में खरीदा। स्वेटर के डिजाइन को अक्सर शाही खानदान में डायना के मुकाम की अलामत के तौर पर बयान किया जाता है, लेकिन फैशन के मुआरखीन का कहना है कि 1981 में जब शहजादी डायना ने यह स्वेटर पहना था तो वो इसके जरिए कोई पैगाम नहीं दे रही थी, वो बस स्लेन रेंजर के कपड़ों के अंदाज को सपोर्ट कर रही थी, जिसे उन्होंने मकबूल किया। सोथबीज के मुताबिक सोशल मीडिया से पहले के दौर में स्वेटर में डायना की अखबारी तस्वीर ने इसे बनाने वाले वार्म एंड वंडरफुल को बेहतरीन आगाज दिलाया। इस स्वेटर की नकल बहुत से डिजाइनर्स ने बनाई है। उनकी शादी के फौरन बाद बकिंघम पैलेस ने वार्म एंड वंडरफुल को लिखा कि अब स्वेटर खराब हो गया है, लिहाजा इसकी सिलाई कर दें या इसे तब्दील करने की कोशिश करें। उसके बाद शहजादी डायना ने सन 1983 में इसके मुतबादल को एक पोलो मैच में पहना। सोथबीज ने वार्म एंड वंडरफुल को भेजे गए खत के साथ साथ नीलामी में मुतबादल के लिए शुक्रिया का नोट भी शामिल किया। स्वेटर के असली होने की तस्दीक कुछ इस तरह की गयी कि इसमें एक छोटा सुराख मौजूद था। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।